दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का तुलनात्मक विधि, जिसे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है ना, उस समीकरण को जो हल करेंगे, हल करके जो एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे, उस ज्ञात करने के लिए एक आपका विधि है जिसका नाम है तुलनात्मक विधि, जो पहले हमने आपको दो गो विधि बता दी है ना। जैसे यहाँ पर देखो दो गो समीकरण ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर फाइव है ना, और एक्स प्लस वाई बराबर नाइन, इस समीकरण एक हो गया और समीकरण दो। आपने आपको इसके पहले वाला जो विधि बताया प्रतिस्थापन विधि, उसमें बताया कि समीकरण एक में किसी एक चौराशि के मान को दूसरे चौराशि के पदों में व्यक्त करना है ना। वैसे ही इसमें भी क्या करना है कि समीकरण एक होगा है ना, इसमें का जो एक चौराशि होगा, एक चौराशि के मान को दूसरे चौराशि के पदों में व्यक्त करना है। और समीकरण दो में भी जो इसमें चौराशि लिए होंगे वही चौराशि ले करके और दूसरे चौराशि के पदों में इसका मान व्यक्त करना है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से चलेंगे, समीकरण एक से, एक से। तो समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर फाइव, तो एक्स बराबर फाइव प्लस में वाई। देखो यहाँ पर एक्स के मान को हम वाई के पद में चेंज कर दिए किए ना, ये आपका हो जाएगा समीकरण तीन है ना। फिर पुनः चलेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से एक्स प्लस वाई बराबर नाइन, यहाँ पर इसमें क्या निकाले हैं, एक से मान निकाले हैं वाई के पद में आया है, इसमें भी आपको क्या करना है, एक से मान निकालना है वाई के पदों में, तो नाइन माइनस वाई। बोले कोई दिक्कत, ये हो जाएगा आपका चीज, ये आपका हो जाएगा समीकरण चार। तो समीकरण तीन में देखो एक्स के मान यहाँ पर निकला गया है, समीकरण चार में भी एक्स के मान निकला गया है। अब समीकरण तीन और चार को क्या करेंगे, बराबर करेंगे है ना, यही बराबर करेंगे तो इसी को बोला गया क्या चीज, तुलनात्मक विधि है, तुलना करना, ये दोनों के बीच में तुलना करेंगे मतलब बराबर करेंगे है ना। यहाँ पर देखो अब समीकरण तीन और चार से, तीन और चार से, तो समीकरण तीन क्या है, समीकरण तीन में देखो तो x के मान कितना है x, और समीकरण बराबर करना है समीकरण चार में भी आपका x है, और समीकरण तीन में x के मान देखो क्या है, देखो ये समीकरण तीन का x है और समीकरण चार का x है, दोनों को बराबर करना है। तो समीकरण तीन में x के मान कितना है, फाइव प्लस y बराबर, और समीकरण चार में x के मान कितना है, नाइन माइनस y। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ ना। देखो बहुते लोग जो होता है ना क्या करता है कि शॉर्ट कट यहीं पर लिख देगा लोग, जैसे समीकरण तीन और चार चल दिए, तो समीकरण तीन में जो आपका एक्स के मान है आपका फाइव प्लस वाई, यहाँ पर लिख देंगे एक्स नहीं लिखेंगे, और आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इतना बारीकी से बताया है ना। यहाँ पर फाइव प्लस वाई और समीकरण चार से नाइन माइनस वाई, दोनों बराबर कर देंगे, बस में ना। अब देखो अब यहाँ पर क्या करना होगा कि जो चर राशि को बराबर के एक साइड और जो संख्या है उसको बराबर के दूसरे साइड, बुझे ना। तो यहाँ पर देखिए वाई, ये वाई को हम बराबर के इधर लाएंगे, वाई के साथ लाएंगे, तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर नाइन, हाई फाइव को उठा के अगर इधर ले जाए तो क्या होगा माइनस में फाइव, कोई दिक्कत। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना का टू वाई बराबर में फोर, वाई बराबर फोर वाई टू कर देगा तो टू हो गया, यानी वाई के मान कितना गया टू। बोले कोई दिक्कत, वाई के मान टू। और देखो वाई का मान, वाई का मान समीकरण, अब आपके पास समीकरण चार को हो गया है, कितने हैं चार, एक दो तीन चार, अब इसमें आप y के मान किसी में भी रख सकते हैं, एक में रख सकते हैं, दो में रख सकते हैं, तीन में रख सकते हैं, चार में रख सकते हैं, जिसमें आपको आसान लगे बनाने के लिए। बोलिए किसमें रखा जाए, y के मान समीकरण
किस में रखा जाए? तीन में रखते हैं, तीन में रखने पर। बोले कोई दिक्कत इतना में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर फाइव प्लस वाई, एक्स बराबर फाइव प्लस वाई के मान कितना है? दो है, दो है ना, यहाँ पर दो, तो एक्स का मान कितना होगा? सेवन। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हो जाएगा अत एक्स के मान सेवन, वाई के मान टू आंसर। बोले समझ में आया? yes.